Let's also listen into how the BJP leaders are responding, hitting out at the Himachal government and calling it toilet tax terror. देश भर में मोदी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए, ये सुखू सरकार का सुख देखो। आपके घर में सीट कितनी है उस पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया टॉयलेट पे। और मीडिया वालों और हिमाचल प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं, देश की शायद एकमात्र सरकार ऐसी होगी जो शौचालय की सीट पर टैक्स लगाती है। ये राहुल गांधी के विकास का मॉडल है। हिमाचल की सरकार या कांग्रेस की सरकार गांधी जयंती के मौके पर हिमाचल के लोगों को इस तरह का उपहार देगी तो ये इससे ज़्यादा असंवेदनशील बात नहीं हो सकती। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में टॉयलेट की व्यवस्था हो, फ्री टॉयलेट की व्यवस्था हो, चौक चौराहों चौपालों पर टॉयलेट की व्यवस्था हो, इसका एक युद्ध स्तर पर स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को गांधी जी का जो है वो बहुत बड़ा हितैषी मानती है, कहती है अनुयायी मानती है कहती है, और उसकी अगर सरकार जो है वो टॉयलेट पे भी टैक्स लगाने लगे तो पता नहीं फिर कल को कहाँ कहाँ टैक्स लगाएंगे। ये अगर विश्व के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को झूठ बोलने और वादा खिलाफी पे जाने का कोई अवार्ड होगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति होंगे। सुक्खू सरकार हिमाचल की, कांग्रेस पार्टी की, अपने वादों और अपनी बड़ी बड़ी जो घोषणाएं की थी उन पर पूरा उतरने के बजाय जो रायतें हमारी सरकार देके गई थी उसको भी वापस लिया जा रहा है। अब रेवड़ियां बांटने वालों ने घोषणाएं तो बहुत की लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब शौचालय पे टैक्स लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार आर्थिक दिवालियापन के साथ साथ नीतिगत दिवालियापन और मानसिक दिवालियापन के कगार पर पहुंच चुकी है।